चाहे फिल्म इंडस्ट्री का हो, स्टेज का हो, आर्ट का हो, कल्चर का हो, आर्किटेक्चर का हो, स्पोर्ट्स का हो, एजुकेशन का हो, इस शहर के अंदर, इस मीरा भयंदर के अंदर टैलेंट से भरा हुआ शहर है। और इसीलिए पिछले कई महीनों से हम लोगों ने एक चीज फिक्स किया है कि ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हम जो भी काम करेंगे तो लोग उसको, हम नहीं चाहते हुए भी उसको पॉलिटिकल कलर करेंगे, मगर हमने अपने अक्षर, हमारी राइटिंग इतनी सुंदर लिखी हुई है, हमारी राइटिंग इतनी सुंदर है कि उस राइटिंग के जरिए आपको हमारी विचार समझ में आएंगे। और हमारे विचार क्या है कि वाटर गटर मीटर, ये जो नगर पालिका का काम नगर सेवकों का और पॉलिटिकल लोगों का होता है, इससे हट करके समाज को और शहर को क्या चीज की जरूरत होती है। जब एक शहर डेवलप हो जाता है, इस शहर को हमने डेवलप कर दिया है, अभी सिर्फ इसको रास्ते को पैचवर्क करना है, गटर को तोड़ना है, चौड़ी बनाना है, उसके बाद उसके अलावा हमने सब काम किया हुआ है, प्लेग्राउंड बना है, स्मशान, कब्रस्तान, बरेल ग्राउंड, म्युनिसिपल हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, लाइब्रेरी, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन देख रहे हैं आप कितना सुंदर डेवलप हो रहा है। मेरी एक विनंती रहेगी आप लोगों से, और मैं चाहूंगा कि आप लोग हाथ उठा करके उस पर मेरा साथ दीजिएगा, पूरे चर्च गेट से लेके तो ढानू तक और पूरे वीटी से लेके तो बदलापुर तक, कोई रेलवे स्टेशन के बाहर इतना सुंदर रेलवे स्टेशन नहीं होगा जितना मीरा रोड रेलवे स्टेशन बन रहा है। मगर इसको सुंदर रखने में, एक अभी यहां पर मिश्रा जी का हमने सत्कार किया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्काई वॉर के ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे पेंटिंग कर रहे हैं, वो मेरे पास एक साल भर पहले आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, तो हमने कहा कि आप बिल्कुल कीजिए, मगर हमको लोगों का साथ चाहिए, और वो एक ही साथ चाहिए कि स्टेशन के बाहर जो हॉकर्स लगते हैं, स्टेशन के बाहर जो हॉकर्स लगते हैं, हम उनसे लड़ाई लड़ लड़ करके थक गए, ये प्रशासन भी उनसे लड़ाई लड़ लड़ करके थक गया है। वो हॉकर्स लगना बंद कब होगा, जब आप स्टेशन से रेलवे से उतर करके उनसे जो फल फ्रूट भाजी तरकारी मोबाइल के कवर सीडी जो खरीदते हो, ये जिस दिन आप बंद करोगे, हॉकर का वहां धंधा लगना बंद होगा, और जब हॉकर लगना बंद होगा तो स्टेशन का परिसर साफ होगा। हाथ उठा के बताइए, आप हॉकर से परचेस बंद करोगे या नहीं करोगे, सारे लोग हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ उठा करके बताइए। अगर आप चाहते हो कि मीरा रोड सुंदर रहे तो वो स्टेशन का परिसर सुंदर रहे, इतना बेहतरीन और इतना सुंदर स्टेशन हम बना रहे हैं। ये हमारे अंकल यहाँ पर लंदन से बैठे हुए, मैंने इनको बताया कि बकिंगम पैलेस के बाहर जिस तरह से रास्ता है, जिस तरह से वहां पे ग्रेनाइट के स्टोन लगे हुए हैं बकिंगम पैलेस के बाहर, उस तरह से, मतलब उसकी कॉपी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो क्वीन एलिजाबेथ है, हम लोग तो मीरा रोड के छोटे से कार्यकर्ता है, लेकिन हमने ग्रेनाइट का स्टोन पक्का लगाया, हमने उसका मिनी कॉपी जरूर किया हुआ है, और हमारी जो जनता है वो क्वीन एलिजाबेथ है, हमारा जो प्रिंस है वो यहाँ पे छोटा बच्चा खड़ा है, ये प्रिंस है, वो बकिंगम पैलेस में वो अकेला रहता है, ये हमारा पूरा मीरा रोड बकिंगम पैलेस है, और उसके अंदर रहने वाला हर आदमी यहां पर किंग एंड क्वीन एंड प्रिंसेस है। दोस्तों, हम लोगों ने दिवाली के शुभ अवसर पे एक कल्चरल प्रोग्राम किया, सुर संगीत का किया, आप में से कई लोग उसमें आए होंगे, जरा हाथ उठा के बताइए कितने आए थे। उसके बाद में हमने मराठी का एक प्रोग्राम किया, स्वरांजलि का किया, अखंड महाराष्ट्र, कितने लोग आए थे हाथ उठाइए स्वरांजलि के प्रोग्राम में, कि अखंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कल्चर उसको हमने प्रस्तुत किया, डीजे का किया, यंगस्टर्स के लिए किया, से नो टू ड्रग्स का किया, साइकिलिंग का किया, साइक्लोथॉन में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, क्रिकेटॉन का किया हम लोगों ने, उसमें अंडर 14 का क्रिकेट हुआ। अब पहाट होने वाला है, चैत्र पहाट, गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पे हम अपना रंगोली कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, रंगोली कॉम्पिटिशन लेजिम्स होगा, पूरे शहर में एक अलग माहौल, कल्चरल माहौल आपको दिखेगा। 11 मार्च को भयंदर के अंदर हास्य कवि सम्मेलन होगा, पूरे हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट कवि वहां पर आने वाले होली मिलन के शुभ अवसर पे। अप्रैल के महीने में फ्रॉम 10 to 22, 10 से 14, 14 से 18 और 18 से 22 ऐसे 200 टीम्स के फुटबॉल मैचेस मीरा भयंदर के 5 प्लेग्राउंड में पूरा महीना भर हम लोग करने वाले हैं। अप्रैल में बच्चों को छुट्टी होती है, आप और हम जैसे कई लोग हैं जिनका कोई गांव नहीं है, मेरा गांव मीरा गांव,
तो हम यहाँ पर एक फुटबॉल फीवर पूरे मीरा भाईंदर में चलेगा। 200 टीम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें से कौन बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे, देखिए मेजॉरिटी बच्चे हैं। ये अप्रैल महीने में बच्चों को घूमना फिरना कुछ होता नहीं, तो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे। मई महीने में, पूरे मई महीने में हम स्विमिंग कॉम्पिटिशन करने वाले हैं। कितने बच्चे स्विमिंग में पार्टिसिपेट करेंगे देख लीजिए, मेजॉरिटी बच्चे। तो हम लोगों ने, भले ही पॉलिटिकल लोग हैं, प्रमोद सावंत हैं, हम हैं, लेकिन इस शहर के अंदर कल्चरल स्पोर्ट्स इवेंट्स को बढ़ावा देना है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स खाली मुंबई में होते हैं, साउथ मुंबई में होते हैं, जुहू में होते हैं, बांद्रा में होते हैं, तो हमारी पब्लिक, आप और हम, ऐसा हमको फील होता है, एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है कि सारे बड़े बड़े इवेंट यहाँ वहाँ होते हैं, यहाँ नहीं होते। तो पिछले 5 महीनों में हमने करके दिखा दिया कि मीरा रोड के अंदर भी मीरा रोड किसी से हम किसी से। और आज भी देखो, सारे बच्चों ने, 16,500 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, और वही सब देख करके ये हनुमान आपके हमारे बीच में आया है।